बांद्रा एसएमबी के सीजन 1 के तुम लोगों ने देखा कैसे हम लोगों ने बहुत सारे एडवेंचर्स करके अपनी एसएमबी के बहुत सारे सीक्रेट्स को जो है वो रिवील कर दिया था, लेकिन उन सीक्रेट्स को रिवील करने के चक्कर में हमने 3 एंटिटीज को रिवील किया जिनमें बाम मसली, हीरो ब्राइन और कस्ट एडम नाम के एंटिटीज जो है वो शामिल थी। उन तमाम एंटिटीज से हमें बचाया था कि इनविजिबल वाले बंदे ने, जिस बंदे को हमें तो लगा था कि वो हमारे साथ है लेकिन उस बंदे ने एक तरीके से हमें यूज किया और उस बंदे का गोल था कि उसने तमाम एंटिटीज की पावर्स जो है वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ली। और उसके बाद लास्ट वाले एपिसोड में हमें ये पता चलता है कि उस बंदे का गोल है कि उस बंदे ने एक मैप है जिसके 7 पार्ट्स है और उसने अगर वो सारे पार्ट्स कलेक्ट कर लिए तो वो बंदा लिटरली इनविंसिबल हो जाएगा। तो हम लोग जब उस मैप का पहला टुकड़ा लेने के लिए एक अलग से डायमेंशन के अंदर जाते हैं तो वहां पर वो बंदा पहले ही मौजूद होता है और वहां पर आकर लिटरली वो हमसे पहले वो पीस ले लेता है और उसके बाद वो हमारा पीछा करने लग जाता है। हम उसे भागते भागते अजीब से टनल के चल रहे जहां पर हमारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है। और अब आगे कुछ नजर ही नहीं आ रहा यार, लिटरली ब्लैक स्क्रीन होगी पूरी की पूरी। अजीब सा बड़ा लग रहा है। एक सेकंड ठीक है। नीचे हार्ट्स, अबे हार्ट्स चेंज हो गए हैं। अबे हार्डकोर वाले हैं। और मेरी इन्वेंटरी, मेरी भी नहीं। वो क्या है डेलेन? अबे तीन तीन दरवाजे यहाँ पे। तो एक सेकंड, यहाँ पे क्या लिखा है जी? बाबा मसली, डेविल, हीरो ब्राइन। आई थिंक सो इसमें से एक दरवाजा चूज करना है हमने। ऊपर बटन लगी हुए हैं तो वो दरवाजे से जाएंगे कैसे? अच्छा यहाँ पे हिंट है, यू हैव मीट हिम बिफोर, ही कैन टॉक। कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? हम उससे मिले भी हुए हैं और वो बोल भी सकता है। अगर बाबा मसली की बात करो तो बाबा मसली से हम मिले हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। हीरो ब्राइन की बात करो तो हीरो ब्राइन से भी हम मिले हैं लेकिन वो बोल नहीं सकता। लेकिन अगर डेविल, डेविल याद है? डेविल, अच्छा उसमें, हाँ क्रेजी ब्रेन के स्टार्ट में, क्रेजी ब्रेन के स्टार्ट में मिले थे। बिल्कुल, वो नेदरकेंस से मिला था। बाय द वे कह सके किसी ने वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर डिलन के चैनल पढ़िए, हम लोग जाकर देख सकते हो तीसरा या सेकंड एपिसोड इनका। चलो लेट्स गो देख के देख। ओके शुक्र है, ऑल राइट। ओ भाई साहब, भाई साहब यहाँ पर चार चार दरवाजे हैं। और हिंट क्या है? अच्छा, ही इज किंग ऑफ द मॉब्स, ही इज ब्लाइंड, क्रीपर द किंग। हाँ भाई एक सेकंड, वार्डन है यहाँ पे? नहीं वार्डन ही होगा क्योंकि वार्डन ही ब्लाइंड होता है और वो किंग ऑफ बॉस भी है। लेट्स गो, जो होगा देख जाएगी। चल चल चल, अब यार आ गया मैं। लेट्स गो, ओके फाइनली ये भी आई थिंक सही है। ओ भाई, अबे यार तीन दरवाजे और हैं। यहाँ पे हिंट है गाइस, ही इज द मोस्ट पावरफुल, ओके डी रियल लाइन, चाचा और बीस्टियान। क्या हो सकता है? चाचा, ही इज मोस्ट पावरफुल, चाचा था लेकिन वो जान के कर रहा था। अयान का भी अच्छा है, मुझे पता नहीं क्यों डेलैंड वाले लग रहा है, चाची वाला लग रहा है। यार डेलैंड देखो, यहाँ पे अकल से काम लेना पड़ेगा हमें, थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि ये दरवाजा आपको पता है हम वापस नहीं जा सकते अगर हम अगर आ गए हैं तो। और हो सकता है इनमें से जो सही दरवाजे में ना जाए तो बाकियों में ट्रैप भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक काम करूं क्या? तू यहीं पे रुक, मैं अंदर से होके आता हूं। डेलैंड नहीं 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 नहीं, अगर मर गए फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ, ये भी तो सोचो। जाने को तो मैं भी चल जाऊं, फिर कहां जाएं? यार आंखें बंद करता हूं मैं आंखें बंद करके जा रहा हूं डीलैंड में। लेट्स गो। ओह सही है, सही है, लीवर लगा है, होता तो ऊपर नहीं जा रहा। ओए ठीक है डीलैंड, ये जगह देखी देखी क्यों लग रही है मुझे? वो है, अबे वो है ना, ये तो हमारी बेस नहीं है वो क्रेजी ब्रेन वाली, मुझे बेस में टोटम काम आएगा। जहाँ तक मुझे याद है ना, हम दोनों के चेस्ट थोड़े अलग अलग थे, मैं उधर तेरे वाली साइड पे मेरे ख्याल में देखता हूँ, तेरे वाले में ट्राइडेंट पड़ा हुआ है। ट्राइडेंट छोड़ो, अभी जरूरत नहीं है। अगर गाइस मैं इसका एक्सेस कर पाऊं, मिल गया कम से कम हमें दो लाइफ तो बढ़ा। उस साइड पे क्या, उस साइड पे क्या, आपके साइड पे क्या मिला? वहां पे वो है ट्राइडेंट है और बस बाकी दूसरा चेस्ट खाली है। वो मेरे ख्याल में ये यार ये हम शिफ्ट कर रहे कर दिया था सारा कुछ सामान यहां पे, तो कर तो दिया था लेकिन कम क्यों है पता नहीं। अबे याद आई क्या, ये वो वर्ल्ड है जिसमें द रियल लाइन मर चुका है और ओए हां हो सकता है ये वही वाला है लिटरली, सामान जो नहीं है यहां से यूज किया हो। हां जाहिर सी बात है अगर ये वो वाला वर्ल्ड तो उन्होंने तो यूज किया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये वाला यहाँ से यूज हुआ होगा। टोटम रख, हाँ टोटम दे देते हैं। और ध्यान से खाना हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है और ऊपर से भाई हार्ड कोर है, मरे तो गए खत्म फिनिश टाटा बाय बाय। जाती बड़ी जल्दी है, बिल्कुल वही तो बात है भाई। ये ले ले ये ये पकड़ ऊपर ऊपर याद आ गई मुझे कुछ चीज याद आई। चलो जल्दी आओ। ओ भाई यार गाइस, ये बेस हमने लिटरली कभी रिवील नहीं की थी और आज इस वजह से
इस मिस्ट्री को सॉल्व करते करते आखिरकार होगी। ओए ओ भाई कुछ ना कुछ तो था, कुछ ना कुछ तो था, मुझे याद है हमने कुछ ना कुछ यहाँ पे रखा था। रिलन ये चेस के मुझे बैरल याद है, इसके अंदर सामान रखा था याद है, ये तो खाली है। ओए हाँ यार ये भी मैं यूज कर लिया होगा, जाहिर सी बात है। इस तरफ कुछ है इस वाले में, मुझे कुछ मिला ये ले। इधर 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 क्या 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 हुआ क्या हुआ? ये ले यहाँ पे डायमंड पड़े हुए, डायमंड खुलवाओ ब्लॉक्स ना करो। हाँ, और 9 डायमंड अभी बच गए इसके अलावा। ओ भाई साहब लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, कम से कम हम प्रोटेक्ट तो है ना, कम से कम भी सारे खाली हैं, ये सारे खाली हैं मेरे ख्याल में। I think so. उस लाले, हाँ याद है हमने तो लालच लेने के लिए रखे थे ताकि लोग जो भी अगर लूटने आए तो उसको लगे भाई यही चेस्ट है। हालांकि हमारे मेन बेस वो है वो नीचे ही थी। लेट्स गो ऑलराइट ऑलराइट, ये साइड पे एक आइलैंड नजर आ रहा है, साइलेंट की तरफ चलते जल्दी आओ। लेट्स गो जल्दी से, अब लोग अपने शील्ड बना लो, रुक दो शील्ड बन गई। हाँ शील्ड ले लो। ओके अच्छा डायमंड की मैं एक शॉर्ट बना लूँ क्या? एक शॉर्ट ही बनाते फिलहाल के लिए ठीक है। अच्छा ऐसे भी कोऑर्डिनेट्स मुझे याद तो नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है मैं किस तरीके से वहाँ पर जा सकते हैं, हम थोड़ा बहुत तो मुझे याद है रास्ता ना। यार मुझे लिटरली खुशी तो हो रही है कि हम यहाँ पे आ गए, लेकिन आए भी किस सिचुएशन के साथ है वो भी अब मुझे डर रहा है कि भाई कुछ भी हो सकता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैं काम करते करते लिटरली सुबह हो चुकी है। अभी हम लोगों ने कुछ सामान वो बेस से अपने उठाया और कुछ सामान हमने यहाँ से इकट्ठा करके सब कुछ सामान हमने बना लिया ठीक है। अभी हम लोग बोर्ड से जाने वाले अपनी मेन असेंबली की तरफ, क्या मेन असेंबली का कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट तो नहीं याद, लेकिन किस तरीके से हम लोग वहाँ पर पहुंच सकते हैं ठीक है। अगर तुम लोग यार एक्साइटेड हो हमारी मेन जगह देखने के लिए, मैं भी लिटरली बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना ठीक है। ओ भाई साहब डेड लाइन, हमारा घर प्यारे प्यारे घर है। मैं सबसे पहले ना बुक लूंगा और अपना आर्मर एन्चांट करूंगा। मैं भी वही करने लगा जल्दी से। ओ भाई साहब हमारे बीकन डेलन, आपका घर भाई मेरा घर यार, मेरी प्रोटेक्शन मैं अंदर नहीं जा सकता। अभी गैस रुको, अबे डेलन यहाँ पे हमारा पोर्टल होता था, पोर्टल था यहाँ पे तो ये सीन है। ये तो वो तुषार लोग, हाँ हाँ ये तो उनको घर था ना, वो सामने मेरा घर है लिटरली, और ये मेरा वो बाण बनाया था। वो देख वो क्या है डेलन वहाँ पे पोर्टल, ये अजीब सा है यार, आपको भी पता है वो उन्होंने क्या था शिफ्ट किया हो यार। ये सबसे क्रेजी चीज थी यार इस एसएमपी की लिटरली गाइस। बाकी यहाँ पे वो रहा हमारा आयरन फार्म, वो बीस्टियां का घर है, ये वाला मेरा घर है, मेरा कुत्ता बैठा था यहाँ पे, वो कहाँ है? मेरे जानवर भी नहीं है इस वाले स्लीपी ने कहीं रखा होगा ना, क्योंकि हम आप में वार्ड छोड़ के चले गए थे ना। ओए हाँ हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि हम वार्ड पर आ गए हो, क्योंकि इतनी तो देर हो गई है। ओके सो जो ऑल राइट गाइस, तो अभी सुबह हो चुकी है और लिटरली दिन में भाई इतना खूबसूरत घर लगता है ना मेरा। अब मैं तुम लोगों से भी दिखा दो क्या सीन था भाई, यार मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई लिटरली भाई। ओए एक सेकंड, यहाँ पे मेरी एक सीक्रेट बेस मुझे याद आया। ओके यहाँ से जाके नीचे थी आई थिंक, सो सही जा रहा हूँ मैं? हाँ एग्जैक्टली भाई, ये मैंने यहाँ पे ना एक लाइब्रेरी टाइप बनाई हुई थी, ये चेक करो यहाँ पे शायद चेस्ट में सामान हो। वो डेलन एमराल्ड के 9 ब्लॉक्स इधर लैपिस में पड़ा है। मैं एक मिनट तुझे दिखाता हूँ कितने हैं मेरे पास। इधर आ। एक सेकंड में आया, एक सेकंड में अपना पहले चेक कर। ओ भाई यहाँ पे फायर एस के पोशंस पड़े और पोशंस का कुछ सामान पड़ा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा गोल्ड पड़ा है और इस तरफ मेरी एक्सोलोटल थी यहाँ पे, वो भी नहीं है लिटरली। चेस्ट में देख अब तुझे नजर आएगा क्या? 1 2 3 गो। ओ भाई साहब ये ठीक है, हम तो इसी में सब कुछ लगे हुए, हम यहाँ पे हम भेजे क्यों गए हैं? ओए हाँ ये भी है, आए क्यों हैं यहाँ पे? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये क्या सीन है यार, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। जिन्हें देखो आज तक जिस भी एसएमपी में आपने हम खेले है ना कुछ गड़बड़े उसमें होती नहीं है, तो मुझे लग रहा है इस एसएमपी में कोई ना कोई गड़बड़ रहना होने वाली है, तो बेहतर यही है ग्राइंड जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। लेकिन अगर ये लेकिन हम तो बांदर एसएमपी में थे ना, या क्रेजी ब्रेन में आया, किसी वजह से तो आए होंगे। वही तो मुझे ऐसा लगता है उस बंदे ने हमारी हेल्प की है। यार उस बंदे ने क्यों हेल्प किया है आपको, उस बंदे का गोल्स का तो पता ही है ना। लेकिन वो इतनी ज्यादा हार्ट्स खा रहा था ना, वो भी तो है यार, वो उसको मैप का जो पहला पीस मिला है उसकी वजह से था। आपको भी पता है वो जैसे जैसे मिलता रहेगा वो ज्यादा पावरफुल होता रहेगा। तो मेरा जब तक ख्याल ना, मुझे लग रहा है सीन ये भी हो सकता है कि वो बंदा हमें यहाँ पे एक किस्म का कह लो इस वर्ल्ड में ट्रैप किया है, ताकि हम लोग जो बाकी मैप से टुकड़े ना वो ले ना सके। हाँ हम उसमें आ जाएंगे ना कि यार ये हम वापस आ गए और यहाँ पे अगर हमारे साथ कुछ भी नहीं होता तो वो तो उधर से अपग्रेड हो रहा है खुद ब खुद। वही तो मसला है, अगर अब वहाँ पे देखो अयान बचा है, अपना चाचा बचा हुआ है ठीक है, ये दो बंदे बचे, या फिर उमर वहाँ पे बचा है, ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। तो अब वो लोग ही हैं जो रोक सकते हैं, वो भाई उनका दिमाग काम करेगा तो वो कर लेंगे ये काम भी।
हमें यहाँ से किसी तरीके से ना एस्केप करना है, कोई ऐसा रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते की मदद से ना हम लोग जो है ना अपनी वापस बांद्रा एसएमबी में जाए जा सकें। एंड में गए थे, एंड में हाँ एंड में तो गए नहीं हम, एंड में जाने ही हमने बैन रखा हुआ था, एंड में जाएंगे। लेकिन मैं गया था वो भी एक जब याद है मैं कब गया था, वो पोर्टल जब वहाँ पे उसने जब हमें पोर्टल में ट्रैप किया था, लेकिन वो क्योंकि उसका एक कर्ज था जो कि हमने डॉक्यूमेंट्री में भी देखा था उस दिन, कर्ज की वजह से, लेकिन हम खुद एज सच खुद कभी नहीं गए वहाँ पे। अबे एक सेकंड, क्या हो गया? नेदरराइट कहाँ पे रखा था? नेदरराइट याद है, बेस में रखा था या यहाँ पे रखा? यार बेस में से चेक, बेस में तो नहीं मिला, वहाँ पे चेक करके आए हैं। इस डिलर यहाँ पे भी एक टोटम पड़ा हुआ है चेस्ट। ओए डिलर क्या हुआ? मुझे आपकी पिकेक्स मिली यहाँ पे चेस्ट में, नेदरराइट की एफ लाइन पिकेक्स फॉर्च्यून वाली, आपके घर के बाहर जो चेस्ट पड़ा उसमें। ओ भाई साहब फिर अंडरपल मिले, ओके कुछ तो काम का होगा। बस अभी तक जो जो काम का था वो मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ बोतल लो, काफी चीजें मैंने ले लिया, लेकिन जो काम की वो मैंने ले लिया। अभी एक काम करते हैं, जो मुझे बुक मिली है ना दो, इसको मैं जरा इंचार्ज करते हैं। अभी एनिमल पड़ी थी, आई थिंक अंदर पड़ी थी कि बाहर पड़ी थी, बाहर पड़ी थी, ये रही थी। बल्कि इससे करते हैं फिलहाल के लिए, लेट्स गो। अभी एक्सपी तो है नहीं, एक्सपी फार्म जाना पड़ेगा, लेट्स गो गाइस, जल्दी से हम लोग चलते हैं अपने एक्सपी फार्म की तरफ। लिपि ध्यान रखना, अलग अलग हम जब जाते हैं ना उस टाइम पे, कुछ भी हल्का सा भी ना तुझे वो गलत जो फील हुआ ना तो बता देना। ठीक है ठीक है, बता दूंगा। हाँ हाँ पता तो है, जितनी एक्सपी हम कलेक्ट कर सकते हैं करते हैं, और उसके बाद एन्चेंटमेंट जो है ना अपनी करते हैं। लो भाई प्रोटेक्शन 3 मिल गई बूट्स भी। जब तक दो नहीं मिलती तब तक मैं छोड़ नहीं रहा हूँ। मुझे 3 कटी मिलेगी। अच्छा ये जो डायमंड एक है बस एक्स्ट्रा है ना, मुझे पिकेक्स दे दो जो नेदरराइट की तुम्हें मिली थी। हाँ ये लो ये लो ये रहे। 2000 years later. All right guys, तो हम लोगों ने XP farm पर जाकर काफी ज्यादा XP जो है वो collect कर ली है, और अभी का सीन ये है कि अभी हमारे 100 पे मेरे ये सब enchantments जो है ना कर ली, armor पे भी enchantments जो है लगी हुई है, ठीक है। बाकी भाई जो हमारा कीन जिसमें हमने इजीली उठा लिया है, और अभी ना जो मेन मकसद है ना वो हमारा बगला जो बचता है वो ये है डिलन, हम लोगों ने अभी जाना। हेलो ये क्या है? ये मुझे मिल गया, 3 चीजें सिर्फ पड़ी हुई थी। ये कहाँ से मिला है? मेरी जो नहीं है आर्मर वाला कलेक्शन नहीं है, वो मैंने अलग रखता हूँ ना, अच्छा अच्छा 3 पड़े हुए थे। ओ भाई साहब यार वेपन मैंने क्यों यहाँ पे रखे होंगे? ओ भाई मजे हो गए यार, लेकिन मैंने अपना नेदरराइट कहाँ रखा था मुझे ये भी नहीं याद। डायमंड के मुझे दो, डायमंड चेक कर रहा है, हार्ड कोड है भाई। एक 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 बार एक बार। वैसे आमतौर पे मारो ना सिर्फ हाफ हो रहता है, इस पे एक हट गया। ये क्या ओ भाई साहब। अच्छा डिलर काम करे, काम करो भाई, ये डायमंड की पिकेक्स आप मुझे दे दो, इसको जॉइन कर लेना और ये भी दे लो, ये पता नहीं काम और क्या यानी। यार लिटरली गाइस मुझे ये नहीं याद आ रहा कि मैंने अपना नेदरराइट वगैरह कहां रखा था, मेरे पास मुझे याद है एक्स्ट्रा आर्मर भी था लेकिन मुझे कोई याद नहीं है कि मैंने कहां रखा था लिटरली। भी एक बार नेदर से नेदर में जाते हैं। हां नेदर में होता था, लेट्स गो भाई साहब, हमने हर जगह फिर लिया। डिलर एक चीज और बताऊं, हम लोगों ने एंड में जाना है किस तरीके से, क्योंकि मुझे लगा था कि हम लोग एंड के जरिए ना जो है एस्केप कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे अगली वीडियो में ना नेदरराइट का अपने आर्मर कंप्लीट कर लेंगे इंशाल्लाह। नेदरराइट का आर्मर भाई कंप्लीट करेंगे ऐसे की तैसी भाई, वो तुझे पता है कुछ सेकंड में हो जाएगा। अच्छा एक एक, एक चीज मैं सोच रहा था, एक चीज मैं सोच रहा था कि वो बंदा जिसने हमें यहाँ पे भेजा है, वो इनविजिबल वाला बंदा जो कि पूरी प्रॉपर कन्वर्ट हो चुका है, उसका लिटरली कोई भी नाम हमें पता भी नहीं है, क्या पता हो भी नाम, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं उसका नाम क्या, ठीक है। वो बंदे ने हमें भेजा है तो वो यहाँ पे भी आ सकते हैं मेरे तक ख्याल है, क्योंकि उसने भेजा है तो वो हो नहीं सकता कि यहाँ पे ना। लेट्स गो गाइस, फकी नेदर में चलते हैं, देखते क्या सीन है उधर। ओ भाई साहब डिलर, ओ भाई साहब वैसे मेरी कमी नहीं है मेरे पास, लेकिन एक मिनट अरे नेदर मारा ऐसे नहीं था होता वैसे, और इतने पास में मारी फोर्ट्रेस भी थी। ओ बिल्कुल भाई, हमें तो इतनी दूर जाकर चलना पड़ता था। ओ भाई साहब मैं कहता हूं मजे आ गए हैं, क्या कहते हो डिलर एंड में तो जाना ही है। ओए एक सेकंड एक सेकंड, नहीं मेरा पड़ा हुआ है ब्लेज रॉड पड़ा हुआ है। अभी देख लो ये बिल्कुल इसकी यहां पे टावर बाद में किया गया है, पहले से टावर बना हुआ है यार, मेरा तो ख्याल है टावर पहले से ही होगा ये, क्योंकि जिस टावर देखो ना वो सामने उस साइड पे बना है, वो अभी बना हुआ है। यहां पर ये यहां पे फाइट नहीं हुई थी उससे यार, वो तो अब कोई पता नहीं है क्योंकि हम तो छोड़ गए थे, अब उन बंदों को उसने मार दिया जो इस क्रेजी पेंट वाले थे, स्लीपी डूडा, पता नहीं इनका क्या सीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने ना नेदर जो नहीं है वो रीसेट किया है, और नेदर रीसेट कौन कर सकता है आपको भी पता है, वही बंदा इनविजिबल वाले जिसने आप भेजा है, शायद इनका भी ना नेदर रीसेट हुआ है। खैर डिलेन वैसे ना डिलेन बात ये है कि अभी वो बंदा इनविजिबल तो है नहीं, हम उसको नाम क्या बुलाएं,
हाँ ईवल वाला बंदा सही है गाइस, वो जो ईवल वाला बंदा है ना लिटरली, अब वो बंदा पहले इनविजिबल बंदा था, वही वाला बंदा जो है ना ईवल बंदा मान चुका है ठीक है। अभी यार नेदर में डेलन कह रहे हैं क्या, वैसे तो यहाँ पे फोर्ट्रेस भी है लेकिन आप कह रहे हैं आपके पास ब्लेजेस भी हैं। ओ भाई साहब आपको चीज नहीं है, एक दो तीन चार और पांच, ये लो ये काम आएगी बहुत ज्यादा। ऑलराइट गाइस, तो ये वाला एपिसोड हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट वाले एपिसोड में हम लोगों ने अपने लिए नेदर रेड का आर्मर जो है वो कंप्लीट कर लेना है और मुझे होप सो उम्मीद है कि इजीली जो है वो हो जाएगा ठीक है। और हमने अब जाना है अब एंड के अंदर, क्योंकि एंड के अंदर मुझे लग रहा है भाई, हमें लग रहा है कि भाई एंड के अंदर ही जाके हम लोग जो है ना एस्केप कर सकते, क्योंकि इस एसएमपी के अंदर जो मुझे याद है हम लोग इस एसएमपी में एंड में नहीं गए, अगर गए भी हैं तो वो जो हमारा इविल वाला बंदा है उसके एक कर्ज की वजह से हम लोग एंड के अंदर जो है वो गए थे। और मुझे लगता है कि हम एज सच एंड ड्रैगन की तरफ जाए ना तो फिर शायद हमें कोई ना कोई सीक्रेट का जो है वहां चले जाए पता। बाय द वे गाइस, अगर वीडियो पसंद आएगा वीडियो को तुम लोग लाइक कर देना, चैनल पे जो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हमारी कोशिश है कि भाई ये वाला जो सीजन है ना हमारा ये पाकिस्तान का सबसे ज्यादा बेस्ट सीजन हो ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।